मैं शंकर रेपवार मणेश्वर विद्यालय बेली से आज कक्षा 12 कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इकाई 18 अर्थात चैप्टर 18 कृषि सांख्यिकी। तो कृषि सांख्यिकी क्या है आइए हम जानते हैं कृषि सांख्यिकी क्या है और हमारे शिक्षण क्षेत्र में या हम कहें हमारे जीवन में कृषि का क्या महत्व है। तो हम कृषि को समझते हैं कृषि सांख्यिकी क्या है और वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कृषि सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी तो कृषि सांख्यिकी विज्ञान वह विज्ञान है कृषि सांख्यिकी वह विज्ञान है वह कला है। कृषि सांख्यिकी विज्ञान व कला है जो सामाजिक प्राकृतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। जो सामाजिक प्राकृतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है हम किसी इसके अंतर्गत जिनका भी हमें अध्ययन करना है तो हम कृषि सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें आंकड़ों का संग्रह करना है या फिर हमें सारणियन का उपयोग करना है तो हम वो सब सांख्यिकी के अंतर्गत ही करते हैं। तो हम जानते हैं कि सांख्यिकी का महत्व और उपयोगिता क्या है। तो सांख्यिकी का महत्व और उपयोगिता तो शिक्षा के क्षेत्र में आज हम जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में आ रहे हैं वह सांख्यिकी की देन है। हम किसी भी चीज़ के आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं या किसी की जनगणना या किसी से भी संबंधित हम एकत्रित आंकड़े करते हैं तो वो सांख्यिकी है। और वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से सांख्यिकी की परिभाषा दी गई है। सांख्यिकी का मतलब होता है गणना, यानी कि हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ होता है संख्या का शास्त्र, संख्याओं का शास्त्र जिसके अंतर्गत संख्याओं के द्वारा ही हम किसी चीज का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी का महत्व और उपयोगिता, पहले चलते हैं हम कृषि क्षेत्र में। तो पहला पॉइंट है अपना, ध्यान दीजिएगा अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सांख्यिकी का महत्व है जो वो कृषि क्षेत्र में, दूसरा है गणित के क्षेत्र में, तीसरा है अनुसंधान के क्षेत्र में और चौथा है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। क्योंकि अगर हम इनका अध्ययन इनकी जानकारी लेते हैं तो अंकों का यानी संख्याओं का इनमें बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे आंकड़ों की सहायता से, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों की सहायता से छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का हम पता लगा सकते हैं, यानी कि छात्रों और की हम योग्यता का पता अंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में, आंकड़ों के रूप में उनकी योग्यता का परीक्षण कर सकते हैं। तो उसके लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, यानी कि उनके आकलन करने में सांख्यिकी का एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा है गणित के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में वास्तव में सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है, वास्तव में सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं और सांख्यिकी को गणित की ही एक शाखा माना जाता है। सांख्यिकी के द्वारा ही गणित के द्वारा ही सांख्यिकी का निर्माण हुआ है, अर्थात यह अंकों के द्वारा ही संचालित है, गणनाओं का है, तो यह एक गणित के ही एक रूप है। तीसरा है अनुसंधान के रूप में। तो आइए हम जानते हैं कि अनुसंधान के रूप में सांख्यिकी किस प्रकार सहायक है। तो अनुसंधान की विधियों में सांख्यिकी विधियों का उपयोग अपेक्षाकृत रूप से नया रूप है, अपेक्षाकृत नया रूप है। वर्तमान समय में विभिन्न वैज्ञानिक विषय जो शोधकर्ता थे उन्होंने सांख्यिकी के द्वारा ही कई सारे अनुसंधान किए हैं, क्योंकि हमें किसी भी अनुसंधान करने के लिए आंकड़ों की
और उनकी जानकारियां एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो। दोनों रूप से हमें आंकड़ों का संग्रह करने के लिए, अगर हमें कोई खोज करनी है, कोई अनुसंधान करना है, तो उसके लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सहायता से हम सांख्यिकी की सहायता से ही अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं। चौथा है हमारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, यानी कि हम जानते हैं कि वस्तु और की मांग अगर बढ़ती है, सांख्यिकी के अंतर्गत यदि वस्तु की मांग और आपूर्ति की स्थिति, भविष्य में ब्याज दर और मूल दर बढ़ने और घटने की स्थिति पर निर्धारित करती है। यानी कि मान लीजिए अगर वस्तु की संख्या बढ़ रही है तो मूल दर, उसकी जो दर है, उसका जो प्राइस है वो कम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए वस्तु की संख्या कम हो रही है तो उत्पादन कम हो रहा है, तब हमें क्या है, जो मूल दर होगी उसकी वो वृद्धि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल बढ़ने और घटने की संभावना, जो व्यापार उद्योग, व्यापारिक और उद्योग के रूप में वस्तु के मूल की बढ़ने और घटने के का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत ही कर सकते हैं। तो आइए हम सांख्यिकी के बारे में हमने जाना। सांख्यिकी विज्ञान, वह विज्ञान वह कला है जिसके अंतर्गत सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का, यानी कि हम कह सकते हैं जानकारियों का संग्रह कर सकते हैं, करते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि सांख्यिकी सांख्यिकी की विधियां, वर्तमान समय में सांख्यिकी की निम्नलिखित विधियां दी गई हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन सी विधियां हैं, वर्तमान समय में सांख्यिकी की कौन कौन सी प्रचलित विधियां हैं। पहला है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह। दूसरा है प्रदर्शन, और तीसरा है सारणीयन, चौथा है वर्गीकरण। सहसंबंध और छठवां है निर्वचन। कृषि सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह ग्रह, आंकड़ों का संग्रह, तो कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत जो विधियां हैं कृषि सांख्यिकीय विधियां निम्नलिखित है। पहला है आंकड़ों का संग्रह, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है सारणीयन और चौथा है वर्गीकरण, पांचवा है सहसंबंध और छठवां है निर्वचन। तो ये सांख्यिकी की मुख्य विधियां हैं जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जानकारियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सांख्यिकी की जो विधियां है वो क्या है। पहला है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह।
तो प्रत्येक शोधकर्ता के लिए प्रत्येक शोधकर्ता के लिए पहला और सबसे वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंकड़ों का संग्रह करना है। प्रत्येक शोधकर्ता, जब भी कोई शोधकर्ता शोध करने के लिए अपना कार्य संचालित करने के लिए यानी शोध करता है, तो उसके लिए पहला कार्य होता है आंकड़ों का संग्रह करना। बिना आंकड़े का कोई भी शोध कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह करना यह प्रमुख होता है। तो प्रत्येक शोधकर्ता के लिए पहला व सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है आंकड़ों का संग्रह करना। चलिए दूसरा है, वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिए, पहला सबसे पहले क्या करते हैं, पहली चुनौती होती है कि जब भी कोई कार्य करता है तो सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह करता है, और दूसरा कार्य होता है वर्गीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि शोधकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को सरलता पूर्वक समझने के लिए जो एकत्रित आंकड़े होते हैं उनको सरलता पूर्वक समझने और अध्ययन के लिए उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो दूसरा कार्य मुख्य कार्य होता है वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर उन्हें समूहों में क्या करता है, बांटता है। तीसरा और महत्वपूर्ण सारणीय विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को, जब हम पहला और दूसरा कार्य करने के बाद तीसरे में आते हैं सारणीयन, तो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए सरलता पूर्वक हमने अपनी आवश्यक सामग्रियों को अलग अलग विभाजित करने के बाद तीसरा आता है सारणीयन का उपयोग करना। यानी कि हम सारणीयन के रूप में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को वर्गीकरण करने के पश्चात उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए सारणीयन करते हैं कि कौन सी जो सामग्री है हमारी, कौन सी अधिक है और कौन सी कम है, तो इसके लिए हम सारणीयन का उपयोग करते हैं। ये जो कृषि सांख्यिकी की मुख्य विधि है, और ये तीसरे नंबर की विधि है कि जब हम सारी जानकारी दो सब क्रिया करने के बाद तीसरी क्रिया करते हैं सारणीयन, तो उन्हें सारणी के रूप में यानी कि वर्ग समूहों के रूप में अलग अलग कि कौन सी संख्या अधिक है और कौन सी कम है, तो सारणीयन के रूप में इनका अलग रखते हैं। और प्राप्त एकत्रित सामग्री को सारणी के रूप में एकत्रित करने के लिए यानी कि उन्हें रखने के लिए सारणीयन विधि का उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रदर्शन। प्राप्त जानकारियों को विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्रियों को यानी कि सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद उन्हें अच्छे प्रकार से भली प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए दिखाने के लिए हम उन्हें चित्रित करते हैं। विभिन्न चित्रों को यानी सामग्रियों को अच्छे प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उन्हें दिखाने के लिए प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि के द्वारा हम आलेखों और चित्रों के द्वारा आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं, और यह कृषि सांख्यिकी की चौथी विधि है,
जिसे हम प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। आइए हमारी पांचवी विधि है, पांचवें नंबर की कृषि सांख्यिकी की पांचवी विधि है जिसे हम कहते हैं सह संबंध, सह संबंध, सह संबंध। तो ये सह संबंध इस विधि द्वारा दो समूहों में सह संबंध को इस विधि द्वारा दो समूहों के मध्य यानी कि दो समूहों के बीचों के संबंध को निर्धारित किया जाता है और उनके संबंधों को उनके बीच की जानकारी को प्रदर्शित किया जाता है। यह कृषि सांख्यिकी की पांचवी विधि है जिसके द्वारा दो आंकड़ों या दो सामग्रियों के संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। छठी और अंतिम हमारी है निर्वचन, निर्वचन विधि, निर्वचन विधि। इसके अंतर्गत हम निर्वचन विधि के अंतर्गत जो आंकड़े होते हैं आंकड़ों को हम परिणाम के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। निर्वचन विधि द्वारा हम प्राप्त आंकड़ों की जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। तो आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करना ही जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उन्हें आंकड़ों के रूप में ही प्रदर्शित करना निर्वचन विधि के अंतर्गत आता है और यह कृषि सांख्यिकी की अंतिम और छठी विधि होती है। आइए हम सांख्यिकी के और सांख्यिकी के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार, तो सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़े क्या है, सांख्यिकी आंकड़े क्या है, तो जानते हैं सांख्यिकी आंकड़े के बारे में। सांख्यिकीय आंकड़ों का अभिप्राय संख्यात्मक सांख्यिकी आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, सांख्यिकीय आंकड़े वास्तव में है क्या, तो हम जानते हैं सांख्यिकीय आंकड़े क्या है। तो सांख्यिकीय आंकड़ों का तात्पर्य संख्यात्मक तथ्यों अथवा प्रेक्षणों से होता है। सांख्यिकीय आंकड़ों का अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों यानी कि संख्यात्मक मानों और प्रेक्षणों से होता है। तो सांख्यिकीय आंकड़ों का तात्पर्य संख्यात्मक तथ्यों अर्थात मान अथवा प्रेक्षण से होता है। तो सांख्यिकीय आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं सांख्यिकीय आंकड़े मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीय अथवा
द्वितीय अथवा गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े व द्वितीय आंकड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े क्या है। ऐसे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा, जो अन्वेषक करता होता है, जो अन्वेषण कार्य करता है, उसके द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त ना होने के कारण किसी और व्यक्तियों द्वारा या फिर उनकी जानकारी किसी और माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े अन्वेषक स्वयं की जरूरत के लिए ये करते हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े और अन्य प्रकार की जानकारी एकत्रित करते हैं और ये किसी और कार्य के या किसी और आधार पर एकत्रित करते हैं। मतलब प्राथमिक आंकड़े एकत्रित होने के बाद द्वितीयक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े दो ही प्रकार के होते हैं, यह स्वयं अन्वेषक द्वारा पूर्ण आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े अन्वेषक के द्वारा नहीं जबकि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। चलिए आज के लिए कक्षा 12 के लिए इतना ही। आगे चलेंगे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बाद हम सांख्यिकी फर्स्ट और सेकंड का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। नमस्कार।